आईपीएल के 46वें मैच में मुंबई इंडियंस के सामने पंजाब किंग्स की चुनौती रही। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। पंजाब की टीम 9 मैचों में 5 जीत के साथ छठे स्थान पर है। दूसरी ओर मुंबई की टीम 7वें पायदान पर है, उसके 8 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक है। ओवरऑल देखा जाए तो आईपीएल में अब तक पंजाब और मुंबई के बीच बराबर की टक्कर हुई है। दोनों टीमों के बीच अब तक 31 मैच हुए हैं, जिसमें मुंबई ने 16 और पंजाब ने 15 मैच जीते हैं। इस सीजन में मुंबई और पंजाब के बीच यह दूसरी टक्कर रही। इससे पहले दोनों टीमों के बीच 22 अप्रैल को मुकाबला हुआ था, तब पंजाब किंग्स ने 13 रनों से जीत दर्ज की थी। इस मैच से पहले खेले गए पिछले 4 मुकाबले में से 3 बार पंजाब ने ही मुंबई को हराया था, लेकिन इस बार ईशान किशन और सूर्य कुमार की तूफान में उड़ी पंजाब किंग्स। पिछली हार के बदला लेते हुए मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को करारी शिकस्त दी। और दोस्तों बता दें कि इससे पहले पंजाब ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 214 रन बनाए। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए पंजाब टीम ने खराब शुरुआत की। परभा सिमरन सिंह 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हुए। शिखर धवन ने दूसरे विकेट के लिए मैथ्यू शॉट के साथ 49 रन की पार्टनरशिप की। शिखर धवन 8वें ओवर में आउट हुआ, उन्होंने 20 गेंदों में 3 चौके लगाए और 30 रन बनाए। मैथ्यू शॉट 26 गेंदों में 27 रन बनाकर पेविलियन लौटे, उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया। पंजाब के 3 विकेट 95 के कुल स्कोर पर गिरे। उसके बाद लियम लिविंगस्टोन और जीतेश शर्मा ने मोर्चा संभाला। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 119 रनों की अटूट साझेदारी की। लिविंगस्टोन ने 42 गेंदों में 7 चौकों और 4 छक्कों की दम पर 82 रन बनाए। वहीं जीतेश ने 27 गेंदों में 49 रन की लाजवाब पारी खेली, उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। मुंबई के लिए पीयूष चावला ने 2 विकेट लिए, वहीं अरशद खान को 1 विकेट मिला। और दोस्तों बता दें कि लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई ने निराशाजनक आगाज किया। रोहित शर्मा पहले ओवर में 0 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ईशान ने कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। ग्रीन ने 18 गेंदों में 3 चौके की मदद से 23 रन बनाए। यहां से ईशान और सूर्या ने मुंबई की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी कर पंजाब को बैकफुट पर धकेल दिया। उसके बाद सूर्या 16वें ओवर में आउट हुए, उन्होंने 31 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 62 रनों की जबरदस्त पारी खेली। और ईशान 17वें ओवर में आउट हुए, उन्होंने 41 गेंदों में 75 रन की पारी खेली, उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के ठोके। टीम डेविड 20 गेंदों में 19 रन की पारी खेली और 3 चौके लगाए। और तिलक वर्मा 1 चौका और 3 छक्के की मदद से 10 गेंदों में नाबाद 26 रन बनाए और 5वें विकेट के लिए 38 रन जोड़कर मुंबई को जीत दिलाई। पंजाब के लिए नेथन एलिस ने 2 विकेट लिए, अरशदीप और ऋषि धवन को 1-1 विकेट मिला।